ये दो गैजेट मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन से। ये दोनों गैजेट आए को पूरा 2 मंथ हो गया और दोनों का मैं आपको फीडबैक देता हूँ कि कौन से इसमें से बेटर रहा, गिरनैरो का या फिर जे के नाइट चाइना का माल। ठीक है, इसकी कीमत है 1800 रुपये और इसकी कीमत है मात्र 428 रुपये। दोनों का हम आपको रिव्यू दिखाते हैं कौन सा इनमें से बेटर है। सबसे पहले ओपन करते हैं गिरनैरो का, तो देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले तो ये छोटा सा कनेक्टर है जो टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट कनेक्टर है आईफोन के लिए, तो इसको बाहर निकालते हैं। ये चार्जिंग केस है इसका, इसमें एलईडी लगी हुई है। सो ये इसका माइक है और जो इसका रिसीवर है। सबसे पहले इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद इसको ट्राई करेंगे कौन सा बैटरी आपको बताते हैं। सो ट्राई करते हैं सबसे पहले इस गिरनैरो को, वायरलेस माइक को, एक लाइटर को प्लग करते हैं और टाइप सी पोर्ट कनेक्टर को इस पे लगाते हैं। अब इसको ऑन करते हैं, कभी ब्लिंक हो रहा है आपको दिख रहा होगा, ग्रीन और रेड सिग्नल में ब्लिंक हो रहा है, कभी कभी ब्लिंक हट जाता है, हो रहा है अभी। इसमें तो कोई ब्लिंक नहीं हो रहा, इसमें भी रेड सिग्नल होता है। सो अभी कनेक्ट ही नहीं हुआ, इसकी वॉइस क्या आ गई बोल इसमें, नॉट रिस्पॉन्स। ये तो हमारी आवाज़ आ रही है जो डायरेक्ट बोल रहे हैं इसे, हमारे पास अभी कोई माइक नहीं है, डायरेक्ट मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देख सकते हो आप। सो ये तो अभी चल नहीं रहा, ये 2 मंथ के बाद इसका काम स्टॉपेज हो गया। सो एक बार कवर को रिमूव करके इसको ट्राई करते हैं। कवर हमने हटा दिया है, अब इसको ट्राई करते हैं। शायद कई बार होता है कि कनेक्टर पूरी तरह से प्लग नहीं होता, अब देखते हैं। अभी आप देख सकते हो इसमें जो सिग्नल है वो ग्रीन और रेड हो रहा है, अभी तक ये नहीं हुआ। इसको रोटेट करके लगाते हैं, हो सकता है कि कोई कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी, अभी भी देख सकते हो कि नहीं, ये नहीं हो रहा। अभी सेम टू सेम हम क्या करते हैं कि वो जो हमारा चाइना का ना, इसको एक साइड पर रख देते हैं, इस कनेक्टर को भी एक साइड पे रख देते हैं और जो गिरनैरो का है इसको बंद करते हैं डब्बे में। 1 2 3 सो हमारा ये K8 जो चाइना का माल है, आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल है, जो आम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर मोस्टली छोटे यूट्यूबर। जिसका रिसीवर है और जिसका माइक है, इसको ट्राई करते हैं। हमारा कनेक्टर तो पहले से ही लगा हुआ है, वही कनेक्टर है जो हमने गिरनैरो पर यूज़ किया था। तो इसको प्लग करते हैं, 1 0 और इसको ऑन करते हैं। इसका पावर बटन इधर है माइक का, इसको ऑन करते हैं। ऑन करते सारी इस पर भी सिग्नल, हाँ जी देखो, ऑन करते सारी जी इसके साथ पेयर हो गया है और इस पर भी, हाँ वो हल्का सा रेड बत्ती जग रही है। तो देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी, मैं इस पर बोलूँगा, देख सकते हो कि क्वालिटी कितनी, जो ऑडियो वेव है वो बिल्कुल चल रहे हैं, ऑडियो वेव अपना काम कर रहे हैं। अभी माइक में मैं बोल रहा हूँ, देख सकते हो ना ऑडियो वेव इस पर काम कर रहे हैं, माइक पूरी तरह प्रॉपर वर्क कर रहा है, वही कनेक्टर है जो मैंने गिरनैरो पे लगाया था। सो आप देख सकते हो कि ये माइक बिल्कुल वर्क कर रहा है। अभी मैं आपको इसकी रियल वॉइस सुनाता हूँ माइक की, मैं अभी जिस कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही है उस पर इस माइक को कनेक्ट करता हूँ। हो आप देख सकते हो वही चाइना का माइक है K8 है, जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था जस्ट 428 रुपये में, सस्ते वाला। तो इसकी आप साउंड क्वालिटी देख सकते हैं कैसी आ रही है, आप मेरे को बता देना साउंड क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। सो इसका एक और है कि ये नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है, वो गिरनैरो वाला तो नॉइज़ कैंसलेशन था बट ये नहीं है, फिर भी टाइम पास के लिए बढ़िया है। ठीक है, सो वो तो हो गया बेकार, हमने जो गिरनैरो का परचेज़ किया था इस पर 1800 लगाए थे। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, जो मैं जिसके पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूं कि इसकी वारंटी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, गिरनैरो टीम से कनेक्ट किया, इसका भी वारंटी कार्ड इसमें पड़ा हुआ है, हमें इसकी वारंटी नहीं मिल रही। मैं आपको सारी डिटेल भेजूंगा, मैंने उनको कितने मेल किए, उनके कितने दिन बाद मेरे को मेल का रिस्पॉन्स मिला, उन्होंने मेल में मेरे से क्या कुछ मांगा, मैंने सब कुछ भेज दिया उन्होंने, मैंने इनकी स्पेशल वीडियो बना के भेजी कि ये काम नहीं कर रहा, तो मेरे को 7-8 दिन के बाद रिस्पॉन्स आया कि भाई इसको कोरियर करके भेजो हमारे पास, तो हम इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर ठीक हुआ तो इसको
वापस भेज देंगे, अगर नहीं ठीक हुआ तो इसको रिप्लेस करेंगे या रिपेयर करके भेज देंगे। ये देखो कौन सी गारंटी होती है, अगर हम इसको 1800 की चीज़ को लेकर 150-200 रुपये लगा कर इसको कोरियर करके कंपनी को भेजेंगे तो हमें इसका क्या बेनिफिट हुआ, फिर हमें क्या सर्विस मिली इसकी गारंटी की, हमारे खुद के पैसे लगा के इसकी सर्विस लेने का फिर क्या बेनिफिट हुआ। सो बिल्कुल ये फ्लॉप है, आप देख सकते हो, ठीक है, डेड माल है जी, अभी तक बिल्कुल वेस्टेज प्रोडक्ट है। उससे बेटर तो ये है, आपने टाइम पास करना ना, 400-250 रुपये का ले लो, 1800, 3000, 3500 इनके बहुत महंगे महंगे गजट हैं, ये वायरलेस माइक डोंट बाय, सभी से मैं सजेस्ट करता हूँ, बिल्कुल बेकार प्रोडक्ट है, कोई भी इसको मत खरीदना, ठीक है। सो मेरे को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, वेस्टेज है, इसको मैं नीचे फेंक रहा हूँ, देख सकते हो।